अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। यह वीडियो बहुत खास होने वाली है। अहमद शहजाद साहब आजकल बड़ा जम के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन जवाब उनको बड़ा तगड़ा मिल गया है कि आपने जो प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करने का ठेका लिया हुआ है ना, अभी सर आपकी इतनी पहुंच नहीं है जितना आप दूसरे प्लेयर्स के गिरबान को खींच रहे हैं ना अपनी तरफ, अभी वो वक्त आया नहीं है। ऑस्ट्रेलवी कोच जो है जनाब शैनन यंग, उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का रिस्पांस किया है अहमद शहजाद को, स्पेशली बड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहा है अहमद शहजाद आजकल। और बाबर आजम के लिए जो उसने वर्ड्स इस्तेमाल किया है ना, वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन यंग जो ऑस्ट्रेलवी कोच है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तानियों को कदर नहीं है अपने प्लेयर्स की। अगर बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर होते तो बाबर आजम जैसे प्लेयर की कदर की जाती कि कितना बड़ा प्लेयर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर बाबर आजम से बड़ा प्लेयर नहीं देखा गया, और पाकिस्तानी बाबर आजम को सपोर्ट करने के बजाय, अप्रिशिएट करने के बजाय बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। शर्म का मकाम उनका, उनका स्पेशली इंटरव्यू भी हुआ है बाबर आजम के साथ। तो बहरहाल जनाब, उन्होंने जम के लिए ताड़ा है मैं शहजाद को स्पेशली। शहजाद ने कहा कि किस बात का किंग है, आईसीसी इवेंट्स के अंदर यानी कि मुझसे भी बाबर की एवरेज कम है। शर्म आने चाहिए मैं शहजाद, बाबर आजम दुनिया का यानी कि एक ऐसा बल्लेबाज है जिसने आईसीसी ओडीआई रैंकिंग के अंदर 3 साल लगातार अपनी धाक बिठा के रखी। अब भी बाबर आजम ओडीआई का नंबर वन बल्लेबाज है, T20 के अंदर नंबर वन बल्लेबाज रहा बाबर आजम। आपकी इतनी काबिलियत थी कि आप पाकिस्तान को यानी कि इस बड़े रिकॉर्ड से हम किनार करवाते और आप दुनिया के ओडीआई के अंदर स्पेशली नंबर वन बल्लेबाज रहते। तो बाबर आजम के जो रिकॉर्ड्स हैं, बाबर आजम जैसी, बाबर आजम जितनी सेंचुरियां आपके पास हैं, बाबर आजम जितने रन आपके पास हैं आईसीसी इवेंट्स के अंदर, आप जनाब एवरेज बाबर आजम के साथ मेंशन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये कागजी किंग है, इसको हमने सर पे चढ़ाया हुआ है। जब आपके अपने प्लेयर इस तरह की बात करेंगे एक सुपरस्टार को लेकर, तो फिर बाकियों का तो मुंह वैसे भी बंद नहीं होना है। और उन्होंने रिजवान को भी लिताड़ा है, अब तो वो कह रहे हैं कि जनाब रिजवान जो वो डिजर्व भी नहीं करता T20 के अंदर। चलो एक बात समझ आती है, बाबर और रिजवान का तरीकेकार एक डिफरेंट है कि जनाब जिस तरीके से वो खेलते हैं T20 फॉर्मेट के अंदर। लेकिन अहमद शहजाद साहब, आपकी अपनी कितनी काबिलियत है यह भी जरा मुवाजना कीजिए ना। ठीक है, बाबर आजम की कप्तानी उस तरीके से नहीं रही है, लेकिन आप बाबर आजम के बल्लेबाजी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकते। कप्तानी के ऊपर आप बात कर सकते हैं कि बाबर को कोई 7-8 आईसीसी इवेंट्स के अंदर कप्तानी करने का मौका मिला, लेकिन बाबर आजम जब वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाए। तो बहरहाल जनाब, ऑस्ट्रेलवी कोच ने जमकर शहजाद की जहां पर खिंचाई की है, यानी कि उन्होंने बिल्कुल टारगेट बनाया शहजाद को, जिस तरीके से वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के पीछे पड़े हुए हैं कि शायद उतनी कदर नहीं की जाती है बाबर आजम की पाकिस्तान के अंदर। बाबर आजम जितना बड़ा नाम है, अपडेट से चले गए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।